नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों में उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। नए साल के आगमन पर जहां कई सारे सैलानी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 9 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल उत्तराखंड में मौसम शुष्क चल रहा है और सूखी सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो दिन के समय और रात के समय में मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिलता है। वहीं दिन में कपकपाने वाली सर्द हवाएं चलती हैं, तो अगर अब बारिश होती है तो इस कोहरे से भी लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही साथ सुबह के समय और रात के समय पे जो लोग आवाजाही करते हैं, उनको आवाजाही में भी कम परेशानियां होंगी। दोस्तों, मौसम विभाग केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं हरिद्वार उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक से भी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का क्या हाल रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जी, अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का, तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी, तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशियंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था, और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% करीब रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकेंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है, या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपके विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है वो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उनमें रही है। जो प्लेन्स वाले है या उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट, उनमें तो और भी जो है जो एक्टिविटी वो कम, बहुत ही कम रही। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मौसम की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर फॉलो कर लीजिए।